एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं आप लोगों के लिए एक और रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये रेसिपी मुझे मेरे बहुत से इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज़ इसको यूट्यूब पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो मैंने सोचा कि ठीक है, ये मेरे हस्बैंड की भी फेवरेट बिरयानी है। सो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ फिश बिरयानी की रेसिपी। इट्स ओनली फॉर पीपल जो देखना चाहते हैं, जो रेसिपी लर्न करना चाहते हैं, बिकॉज रेसिपी बहुत ईजी है और बहुत मज़ेदार भी। सो आई थिंक सबसे पहले मैं आप लोग को इंग्रीडियंट्स दिखाना चाहती हूँ, एंड लेट्स गो अहेड। इंग्रेडिएंट में सबसे पहले हमने 5 प्याज लिए हैं और उनको स्लाइस कर दिया है। अब इन 5 प्याज को मैंने 4 और 1 के रेशियो से डिवाइड किया है। जो 4 प्याज हैं स्लाइस्ड वो हम बिरयानी के मसाले में इस्तेमाल करेंगे, और जो 1 प्याज है स्लाइस्ड उसको हम फ्राई करके बिरयानी में एंड में गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। बिरयानी के लिए हमें 1/2 किलो मछली चाहिए होगी, और मैं यहाँ फ्रोज़न रोहू फिश इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये हैं टमाटर, मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर इस्तेमाल किए हैं जिनको मैंने फाइनली चॉप कर दिया है। इस प्याले में 2 खाने के चम्मच मिंट लीव्स, मैं फ्रीज़ करती हूँ अपने मिंट लीव्स को, तभी मैंने फ्रोज़न मिंट इस्तेमाल करा है। साथ ही में 2 खाने के चम्मच फ्रेश धनिया और बारीक स्लाइस किए हुए लेमन, इस तरह 1 खाने का चम्मच मिंस गार्लिक पेस्ट, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, मैं कैन यूज़ कर रही हूँ। और साथ में 1 खाने का चम्मच क्रश्ड जिंजर पेस्ट। और इस बिरयानी के लिए जो मसाला मैं यूज़ करूँगी वो है शान का सिंधी बिरयानी मसाला। रेसिपी में हमें 1.5 खाने का चम्मच दही भी चाहिए होगी, मैं ग्रीक स्टाइल योगर्ट इस्तेमाल कर रही हूँ, आप घर की बनी दही भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने एक मिक्सिंग बोल में मछली को डालना है ताकि हम उसको मैरिनेट कर सकें। मैरिनेशन के लिए 1 खाने का चम्मच क्रश्ड जिंजर, 1 खाने का चम्मच मिंस्ड गार्लिक पेस्ट, और अब इसमें आपने सिंधी बिरयानी का पूरा पैकेट मसाला डाल देना है। और अब इस सब को हल्के हाथ से मिक्स कर लें थोड़ा सा, और अब 1.5 चम्मच दही का डालकर अच्छे से मिक्स कर लें और मैरिनेट होने के लिए रख दें 1/2 घंटा। बिरयानी मसाले के लिए आप एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लीजिए, और सबसे पहले आपने जो 4 प्याज स्लाइस किए हुए थे वो इसमें डाल दीजिए। इन प्याज को आपने अच्छे से भूनना है जब तक इनका रंग गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, और जब ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए आप इनमें चॉप्ड टमाटर डाल दीजिए, और इस सब को थोड़ी देर भूनकर ढक्कन लगाकर रख दें। आपने साथ साथ चेक करते रहना है ताकि टमाटर नीचे से लग ना जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब ये मसाले से तेल अलग हो जाए तो अब आप इसमें मैरिनेट हुई हुई मछली को डाल दीजिए। एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि मछली के मसाले में ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, वरना मछली टूट सकती है, और अगर आपकी मछली टूट जाएगी तो आपका जो बिरयानी का मसाला है वो बहुत चूरा चूरा हो जाएगा। इसको मीडियम आंच पर ढक्कन लगाकर पकने दीजिए जब तक इसका सारा पानी इवेपोरेट ना हो जाए। सो जब तक बिरयानी का मसाला तैयार हो रहा है, अब बारी है चावलों के बॉईल होने की। मैंने 1/2 घंटा पहले 3 कप चावल लिए हैं और उनको पानी में डाल के रख दिया था। एक सवाल जो मुझे बहुत ज्यादा आया था पिछले वीडियो पे वो ये था कि मैंने कौन सा मेजरिंग कप इस्तेमाल किया है। सो मैंने पायरेक्स का ये मेजरिंग जग है जिसको इस्तेमाल किया है चावलों के लिए। मैंने 3 कप इसके हिसाब से चावल लिए हैं और उनको मैंने पानी में भिगो के रख दिया था, और अब मैं उनको बॉईल करने लगी हूँ। सो लेट्स गो अहेड। अब एक बड़े साइज के पतीले में 1/2 से ज़्यादा पानी भर दीजिए और इसको बॉईल होने के लिए रख दें। जब पानी बॉईल होना शुरू हो जाए तो उसमें ये सब मसाले डाल दें, कुछ दालचीनी, थोड़ी सी लौंग, थोड़े से बे लीव्स, थोड़ी सी साबुत काली मिर्च, 4 से 5 दाने इलायची के, 2 से 3 दाने बदियान के फूल के, इनको स्टार एनीस भी कहा जाता है। इन सब के डालने से आपके चावलों में एक बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। इसमें अब आप मिंट लीव्स डाल दीजिए जो हमने रखे हुए थे, और अब आपने इसमें थोड़ा सा नमक डाल देना है, और आखिर में चावल डाल दीजिए और इनको बॉईल होने रख दें जब तक आपका चावल फुल पक ना जाए। फिश बिरयानी मसाला भी तैयार हो चुका है और हमारे चावल भी बॉईल हो चुके हैं। अब इनको लेयर करने के लिए एक बड़ा पतीला लाइए। सबसे पहले नीचे चावलों की एक लेयर बनाएंगे आप, इसके ऊपर आपने एक लेयर बिरयानी मसाले की लगानी है। ध्यान से चमचा इस्तेमाल कीजिएगा, कहीं मछली टूट ना जाए।
इसके ऊपर आपने स्लाइस्ड लेमन डाल देने हैं, इससे आपका चावल खिला खिला रहेगा। अब फिर से आपने चावल की एक और लेयर डालनी है और इसके ऊपर एक और बिरयानी मसाले की लेयर, लेकिन इस बार मसाले में लेमन के साथ थोड़ा सा फ्रेश धनिया भी डाल दीजिए। और सबसे टॉप लेयर आपकी चावलों की होगी। अब इन चावलों के ऊपर आपने फ्रेश धनिया एंड फ्राइड प्याज से गार्निश कर देना है। आखिर में जर्दे का रंग लीजिए और थोड़ा सा इसके ऊपर छिड़क दीजिए। अब आप इसको 10 से 15 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पर दम पर रख दीजिए। आपकी सिंधी फिश बिरयानी तैयार है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोग को ये रेसिपी बहुत पसंद आई हो। अगर आप इसको घर में बनाएंगे तो जरूर मुझसे शेयर कीजिएगा कि आप लोग को कैसी लगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज आई विल बी डेफिनेटली कमिंग अप विथ मोर रेसिपीज। और अब आई थिंक नेक्स्ट टाइम आई विल ब्रिंग सम डिजर्ट रेसिपी फॉर यू गाइज। सो स्टे ट्यून्ड गाइज, बाय।